हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल लावण्या बुटीक। तो आज हम सीखेंगे राउंड कॉलर बनाना। तो इसके लिए मैंने ये कुर्ते का कटिंग कर लिया है। अब इसका हम कॉलर का कटिंग करना और कॉलर स्टिच करना सीखेंगे। तो यहाँ पे मैं राउंड कॉलर बना रही हूँ। तो ये 4 इंच का हम गले का गहराई काटे हैं और नीचे भी 4 इंच का रखे हैं। तो इसमें मैं एक कट लगा लिया हूँ। तो इसमें सबसे पहले हम पट्टी लगाएंगे। ये 1/2 इंच का पीछे का कटिंग कर लिए हैं। तो अब इसको हम स्टिच करेंगे। वक्रम का टुकड़ा लेके जो हम 4 इंच के कटिंग किए हैं उसको हम 1 इंच बड़ा 5 इंच काट लेंगे। और बीच में इसका सेंटर निकाल के 4 इंच में कट लगा देंगे। इस काटे हैं उसको हम कपड़े में चिपका लेंगे और चारों तरफ इसमें स्टिच कर लेंगे। तो ये जो बकरम का पीस है उसको हम स्टिच कर लिए हैं। अब इसको हम कुर्ते के साथ अटैच करेंगे। पट्टी को हम स्टिच कर लिए हैं और यहाँ पे छोटा सा कट लगा लेंगे। अब इसको अंदर की तरफ पलट लेंगे, एक स्टिच कर लेंगे अच्छे से प्रेस में बिठा के। तो इसमें हम स्टिच कर लिए हैं। अब ये 2 इंच की पट्टी लेके 2 इंच चौड़ाई पट्टी को हम मोड़ के एक अंदर पट्टी इसमें लगा लेंगे, अगर इसमें हुक लगाने के। अब हम शोल्डर अटैच कर लेंगे। तो ये हम दोनों साइड का शोल्डर अटैच कर लिए हैं। अब हम कॉलर कट कर लेंगे। राउंड कॉलर बनाने के लिए मैंने 16 इंच का वक्रम लिया है और 10 इसकी चौड़ाई है। तो इसको हम ऐसे डबल फोल्ड कर लेंगे। और जो हमारा हम नेक काटे हैं कुर्ते में उसको हम अच्छे से सेट कर लेंगे और एक निशान ड्रा कर लेंगे। तब ये हम काम हो गया। अब ये अब 1 इंच की दूरी में निशान लगाएंगे। तो भी राउंड शेप दे देना है। हमको चेक कर लेना है कि हमारी जो गले की लंबाई कितनी है, उस हिसाब से हम इसको शेप देंगे कॉलर। 16 तो यहाँ हम इसको 16 सेप देना है, उसको भी कट कर लेंगे। बकरम में कटिंग हुआ। अब इसको हम जो कपड़ा है उसके साथ इसको अटैच, कपड़ा लेके इसको पहले हम स्टिच कर लेंगे। तो ये हम कॉलर को चिपका लिए हैं कपड़े के साथ। अब इसको हम 1/2 इंच के मार्जिन रख के दोनों तरफ से कटिंग कर लेंगे।
तो ये हम इसको कट कर लिए हैं और जो एक साइड का है उसको हम नीचे अंदर की तरफ इसको स्टिच कर लेंगे। तो एक साइड से इसको स्टिच कर लिए हैं। अब हम एक कपड़े का पीस लेके इसके एक्स्ट्रा कपड़े कट कर लिए हैं। अब इसमें हम सिलाई लगा लेंगे। तो स्टिच करते समय हमें ध्यान देना है कि हमको बकरम के पास से सिलाई लगाना है, इसके ऊपर नहीं छुड़ाना है। अब जो इसके एक्स्ट्रा कपड़े हैं वो कट कर लेंगे। नीचे दूसरे साइड को भी हम आधा इंच ही मार्जिन रख के एक्स्ट्रा कपड़े कट कर लेंगे। इसके जो एक्स्ट्रा कपड़े हैं उसको हम कट कर लिए हैं दोनों साइड से, और यहाँ इस साइड हम आधा इंच का सिले हैं और इधर तो बिल्कुल जितना हमको चाहिए उतना ही किए हैं और कट भी लगा लें। तब इसको हम पलट लेंगे। तो पलट के इसको प्रेस से बहुत अच्छे से बिठा लेंगे और ये जो हम आधा इंच की मार्जिन करे हैं उसको भी हम प्रेस से ठीक से प्रेस कर लेंगे। तो इसको हम प्रेस कर लिए हैं। अब इसमें हम सेंटर में कट लगा लेंगे। तो ये सेंटर में हम कट लगा लिए हैं। इसी तरह कट हम जो कुर्ता है उसके सेंटर में लगा लेंगे। तो यहाँ पे हम लगा लिए हैं। अब इसको हम तो है वो उल्टा रहेगा और ये जो कॉलर है वो सीधा। तो जो कट से कट मिला लेंगे हमें ना, इसको जो हमारा कुर्ते वाला जो कपड़ा है उसको खींचना है ना कॉलर वाला को, हल्के हाथ से लगाना है। एक साइड का कॉलर जोड़ लिए हैं, इसी तरह हम दूसरे साइड का भी जोड़ लेंगे। सामने से ही इसको स्टिच कर रही हूँ। तो एक साइड का हम ये सिल लिए हैं। अब इसको हम पलट के एक स्टिच और लगा लेंगे। तो यहाँ थोड़ा सा अच्छे से दबाते हुए तो ये हम इस साइड से भी स्टिच कर लिए हैं, से प्रेस कर लेंगे और जो एक्स्ट्रा इसकी स्टिच है उसको निकाल देंगे। अगर तैयार हो गया है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल में करने वाले चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताएं।